बोलिए। नहीं बोलना यही है यार, मानदेय के बारे में बताइए। हरौआ न्याय पंचायत में, हरौआ विकास खंड, हरौआ ग्राम सभा में ये ऑनलाइन ये ट्रेनिंग इस क्षेत्र के सारे प्रधान लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज अपनी बात भी कहेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। इस गांव का समुद्र विकास हो और धनराशि विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैसा जारी करें और ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों का मानदेय जी सुनने में आता है कि 3500 रुपया है। अब मेरा कहना है माननीय योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि प्रधानों का मानदेय इतना बढ़ा सके, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें ताकि गांव का विकास और गांव के दुख दर्द जनता पब्लिक का। और फेक न्यूज में 40,000 रुपया दिया गया था और प्रधान लोग तो बदनाम हो गए, जनता पब्लिक की निगाह में आ गया है कि 40,000 प्रधान लोग पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, भोजन करने दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप मानदेय के बारे में बताइए। मानदेय के बारे में, मानदेय के बारे में जब चुनाव हो रहा था जी ग्राम सभा का, ग्राम प्रधानी का, तो तमाम लोग मानदेय के चक्कर में प्रधानी का चुनाव लड़ने लगे जी। उनके अंदर क्वालिटी और काबिलियत है या नहीं है, और चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतर गए। कोई 10 वोट पाया, कोई 15 वोट पाया, उस लायक भी नहीं था, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो मानदेय के लिए। और मानदेय के लिए लोगों ने कहा कि 40,000 रुपया मानदेय है, तो 40,000 नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा कहना है कि कम से कम नहीं कुछ तो 35,000 30,000 40,000 रुपया वो मानदेय कर दे और आने वाले समय में जो प्रधान लोग रिटायर हो जाए तो उनको पेंशन कर दे, जैसे सांसद जी लोगों का पेंशन है और विधायक जी लोगों का पेंशन है, मंत्री जी लोगों का पेंशन है, उसी तरह ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों का भी पेंशन होना चाहिए, यही मांग है। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, बहुत सही, बहुत सही।